एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो आज यहाँ पर ईसीएस टीटेन पुर्तगाल का आज के दिन का पहला मैच होगा जो खेला जाएगा मलो और पंजाब सीसी के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स और ऑफिशियल बेटिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे जहाँ पर सबसे पहला कमेंट आपको देखने को मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं पर फाइनल टीम न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर मिलता है। बात करेंगे इस मैच के बारे में, 1 बजे स्टार्ट होगा, सेम ग्राउंड पर मैच है, आर्टिफिशियल विकेट है तो पिच के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं होगा। एवरेज इसको 90 से 120 बनता है। 15 मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं, 8 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 7 मैचेज हुआ है, मतलब टॉस का कोई खास इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं रहता है। अब देखो पहले बात करेंगे मलो कलंदर्स की टीम की, तो 2 मैच खेली है, दोनों के दोनों मुकाबले इनकी टीम यहाँ पर जीती हैं। अब इनकी तरफ से ओपन किए हैं दोनों मुकाबलों में अमनदीप सिंह और जुल्फिकार शाह ने। अमनदीप सिंह देखो ओपन के साथ साथ ना 2 ओवर भी डाल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले में 18-0 विकेट है, दूसरे में 6-1 विकेट है, ओवरऑल 42 T10 में 333 रन, 13 का एवरेज, 20 विकेट है। जुल्फिकार शाह पहले में 14 किया, वहाँ पर भी स्ट्रगल कर रहा था, दूसरे मैच में 1 रन पर आउट हुआ, ओवरऑल T10 में 46 मैच में 499 रन है। सैयद मैसम, अब देखो सैयद मैसम जो है ना एक बॉलर है, लास्ट मैच में इसको पता नहीं क्यों 1 डाउन भेजा, ज़्यादातर ये नीचे खेलता है। पहले मैच में विकेट लेस था, दूसरे में 21-1 विकेट है, 2022 में 28 T10 में 300 रन है और 27 विकेट है। बॉलिंग ये बहुत अच्छी करवा सकता है। आमिर जैब ये बहुत अच्छा बैटर है, साथ के साथ बॉलिंग भी करवा सकता है। पहले मैच में 23 रन 0 विकेट था, दूसरे में 43 रन थे, दूसरे मैच में इसको बॉलिंग नहीं मिली थी, 15 मैच में 130 रन 12 विकेट है। थोड़े से मतलब एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर रही है इनकी टीम, तो स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की भी रहेगा ये मैच। जफर अली पहले में 28 2 विकेट है, सिर्फ 1 ओवर डाला था, दूसरे में 51 है। इसके भी जो बॉलिंग के चांसेस हैं वो मेरे को अभी कम लग रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग इसको दे नहीं रहे। 10 मैच में 126 10 विकेट है, 19 ओवर डाल के, लेकिन अभी बॉलिंग नहीं मिल रही है। आसिम सरवार पहले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी, दूसरे में 20 रन 2 विकेट थे और 29 मैच में 143 25 विकेट ओवरऑल रिकॉर्ड है। रोशन सिंह दोनों मैच में बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली थी, 25 मैच में 83 रन है। मियान साइदी पहले में 1 ओवर डाला विकेटलेस, दूसरे में बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली थी, 2022 में 8 मैच में 28 0 विकेट है, ज़्यादा मौका इनको मिलता नहीं है। आज का जो ट्रंप पिक रहेगा आपके लिए वो है असद महमूद, जो अब तक तो विकेटलेस है दोनों मैच में, लेकिन दोनों मैचेस में इसने 2 ओवर डाले और एक अच्छे लेवल का बॉलर है, तो आप स्मॉल लीग में भले ही मत रखना लेकिन जीएल में आपके लिए ट्रंप बन सकता है। जयेश पोपट पहले में 7 नॉट आउट, दूसरे में 9 बैटिंग है। अदनान गोंडल पहला मैच खेला नहीं, दूसरे में 1 विकेट था, 2 ओवर डाल के 22 T10 में 14 विकेट है 2022 में। अब देखो इनकी टीम के पास ना बॉलिंग के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अदनान गोंडल, असद महमूद, इनके अलावा आसिम सरवार, जफर अली, आमिर जेब, सैयद मैसम और अमनदीप सिंह, मतलब 7 तो ऐसे प्रॉपर बॉलिंग के ऑप्शन है जिनमें से कोई भी बॉलिंग करवा सकता है। तो मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत से बाद भाई रिजल्ट के बाद में ब्लेम करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने देखो स्टैट्स आपको समझा दिए, उसके बाद में आप खुद से टीम बनाने का ट्राई करो, क्योंकि मैचेस रिस्की रहते हैं और इस वाले T10 सीरीज में आपको भी पता है बहुत कुछ चल रहा है, तो आप स्मॉल लीग में खुद के बेसिस पर रिस्क लेकर टीम बनाओगे तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको सर में ऊपर ही नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान में रखना। अभी के लिए यहाँ से रख सकते हो अमनदीप सिंह, सैयद मैसम, आमिर जैब, जफर अली, नीचे से यहाँ पर रख सकते हो असीम सरवार, और नीचे से यहाँ पर एक और प्लेयर अगर आपको रखना है तो आप अदनान गोंडल या फिर असद महमूद में से किसी एक को रख सकते हो। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के जो ओवर्स हैं मतलब पावर प्ले के जो ओवर्स हैं वो डाल रहे हैं असद महमूद और अमनदीप सिंह, और डेथ के जो ओवर हैं वो डाल रहे हैं सैयद मैसम, अदनान गोंडल और असीम सरवार। बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि पंजाब सीसी की टीम की, पहले 2 मैच जीती, आखिरी मैच हारी। ओपन किया था परवीन सिंह और राव इमरान ने। परवीन सिंह 3 मैच में ओपन और ओपन के साथ साथ 2 ओवर भी डाले थे, बहुत बढ़िया प्लेयर है, 12-0 विकेट, 7-0 विकेट, 17-3 विकेट है। 2022 में 11 मैच में 163 रन, 8 विकेट है। राव इमरान पहले मैच में इसने ना बहुत ही खतरनाक पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद में जैसे तो खेलना भूल गया, 2 और 8 है, यही तो हो रहा है T10 में।
2022 में 24 मैच में 370 रन 17 का एवरेज है। अदनान अली एक अच्छे लेवल का ऑलराउंडर है। पहले में एक ओवर मिला विकेट लेस, दूसरे में 0-1 विकेट, फिर 41 दो विकेट, और इसने देखो T20 में दो मैच में 82 रन दो विकेट दिए। सिमरनजीत सिंह नो बैटिंग 0-6 है, उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। उमर मोहम्मद बढ़िया फॉर्म में लग रहा है, पहले में एक विकेट, दूसरे में 60 नॉट आउट दो विकेट, फिर 13-1 विकेट है। मुजमल अब्बास सिर्फ बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग इसको मिल नहीं रही। नो बैटिंग 28-9 है। T10 में ओवरऑल 11 मैच में 80 रन 8 विकेट है, लेकिन बॉलिंग अभी मिल नहीं रही। उसामा जाहिद इसको भी सिर्फ पहले मैच में एक ओवर मिला, वहाँ पर एक विकेट था, उसके बाद में 14-6 है। और इसने भी देखो T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई हुई है, 6 मैच में 10 विकेट, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग नहीं मिल रही है। उसामा अली 3 मैच में 3 विकेट हैं, जो कि एक ही मैच में मिले थे। ये डेथ में बॉलिंग करवा रहा है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहम्मद कासिम पहले दो मैच खेला नहीं, आखिरी मैच में 0 है। सैयद अली नाकी 3 मैचेस में 2 विकेट है, 15 मैच में 12 विकेट, 2022 का रिकॉर्ड है। अबू सुफियान खास रिकॉर्ड नहीं। यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन है? परवीन सिंह, राव इमरान, अदनान अली, उमर मोहम्मद, इनके अलावा उसामा अली और सैयद अली नाकी। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे परवीन सिंह, सैयद अली नाकी, डेथ के ओवर डालेंगे उसामा अली और उमर मोहम्मद। एनालिसिस वाला जो पार्ट टेस्ट मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूं यहाँ पर डेमो टीम की, तो आप देख सकते हो कि विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रोशन सिंह को रखा है, बैटिंग सेक्शन से मैंने परवीन सिंह जूनियर को रखा है, इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन से जफर अली, अमनदीप सिंह, आमिर जैब और अदनान अली को रखा है, जबकि बॉलिंग सेक्शन से सैयद अली नाकी, सैयद मैसम, असीम सरवार, उसामा अली और उमर मोहम्मद को रखा है। कैप्टन परवीन सिंह, वाइस कैप्टन उमर मोहम्मद है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम जो भी होगी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो जिस भी भाई ने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको जैसे कि बैटिंग ऑर्डर होगा सारी चीज़ें वहीं पर पता चलेंगी। तो थैंक यू भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।